हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं उसमें हम मेनली बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन इंग्लिश। इस वीडियो में हमने अपना जो डिवाइड किया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स, कि स्पेलिंग्स के गेसिस पे किस तरह से ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन इंग्लिश डिफर करती है। पहले हम स्पेलिंग्स के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट ग्रामर, कि ग्रामेटिकली कैसे तीनों इंग्लिश में डिफरेंस आता है। फिर वोकैबुलरी की बात करेंगे कि वोकैबुलरी डिफरेंस कैसे आता है, और लास्ट में हम बात करेंगे प्रोनंसिएशन के बारे में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक कुछ वर्ड्स, आई मीन सारे वर्ड्स ब्रिटिश और अमेरिकन एक ही तरह से बोलते हैं, कुछ वर्ड्स को बोलने में डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। एंड ऑफ कोर्स हम अपनी भी बात करेंगे कि हम उसे किस तरह से बोलते हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द डिविजन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स। सबसे पहले डिफरेंस हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेलिंग्स। देखिए, जब हम बात करते हैं, फर्स्ट डिफरेंस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आर ई एंड ई आर। अब देखिए, यहां पर मैंने वर्ड से पहले एक लाइन डाली है, यानी कि ये जो ई आर है या आपका आर ही है, यानी कि वो किसी वर्ड के एंड में आ रहे हैं, इसलिए यहां पहले लाइन डाली गई है, यानी कि इससे पहले जो भी वर्ड स्पेलिंग्स हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ई आर एंड आर ई, द वर्ड दैट एंड्स इन आर ई इज इन ब्रिटिश, राइट? जो वर्ड्स ब्रिटिश में आर ई में एंड होते हैं, यूजुअली अमेरिका में वो अदर वे राउंड होते हैं। अदर वे राउंड मतलब वो ई पहले पढ़ते हैं और आर बाद में पढ़ते हैं, राइट? सो ब्रिटिश में जो आर ई वाले वर्ड्स होते हैं, अमेरिकन्स उनको अदर वे राउंड, मतलब आर ई की जगह ई एंड आर, ई आर अदर वे राउंड पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स जैसा अभी हमने देखा था, जो आपका नोआ वेबस्टर के एग्जाम्पल में देखा था, सेंटर हम ब्रिटिश में बोलते हैं सी ई एन टी आर ई, सेंटर, 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 दिस इज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट? अमेरिकन्स दे कॉल इट एज सी ई एन टी ई आर, सेंटर। इंडिया में ऑफ कोर्स मैंने ऐसे आपसे कहा कि कुछ चीजों में हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, कुछ चीजों में हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ द स्पेलिंग्स मेनली हम ब्रिटिश स्पेलिंग्स को फॉलो करते आए हैं अभी तक। यस, अब कई लोग ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, कई लोग उसे अमेरिकन इंग्लिश की तरह यूज करते हैं, बट इंडिया में दोनों को में से आप जो भी यूज करेंगे 90% इट्स नॉट रॉन्ग। बट अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, देन यू शुड यूज ब्रिटिश इंग्लिश, नॉट अमेरिकन इंग्लिश, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर आफ्टर सेंटर जो आप देख रहे हैं वो है हमारा थिएटर, राइट? थिएटर, टी एच ई ए टी आर ई, अगेन एंडिंग इन आर ई, थिएटर। द सेम वर्ड इज स्पोकन इन अमेरिकन इंग्लिश लाइक थिएटर, टी एच ई ए टी ई आर, जैसा हमने देखा अदर वे राउंड, बट इन इंडिया अगेन एज आई सेड जस्ट लाइक द ब्रिटिश इंग्लिश। अगला है वो वर्ड्स जो एन सी ई या एन एस ई, सी यहां पर डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ सी एंड एस, जैसे यहां तो बिल्कुल ही आगे पीछे हो गए, बट यहां पे सिर्फ सी ई और एस ई का डिफरेंस है। यूजुअली ब्रिटिश जो है वो यूज करते हैं विद एन सी ई एंडिंग, बट अमेरिकन्स दे प्रेफर टू यूज एन एस ई, राइट? एग्जाम्पल, डिफेंस, डी ई एफ ई एन सी ई, आपने देखा होगा डिफेंस मिनिस्टर, तो आपने स्पेलिंग ये देखी होगी इंडिया में। जैसा मैंने कहा कि हम इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं और फॉलो करते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश इज डी ई एफ ई एन एस ई। अगर बाय चांस अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं बाय सम अमेरिकन ऑथर, तो वहां पर आपको स्पेलिंग एस ई दिखेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज द सेम डिफेंस, डिफेंस किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, डिफेंस करना। लाइसेंस,
आप ड्राइविंग लाइसेंस, आई जस्ट गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस, राइट? सो इट्स LICENCE. इन इंडिया अगेन जस्ट द सेम लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी काइंड ऑफ लाइसेंस यू गेट. सम पीपल दे गेट अ गन लाइसेंस, यू नो. सो लाइसेंस लाइसेंस है जो भी आपको मिलता है. और इन केस ऑफ अमेरिका इट इज LICENSE. जैसा हमने देखा द डिफरेंस कम्स विद CE and SE. देन वी हैव इज ISE and IZE. यहां पर स्पेलिंग डिफरेंस है विद S and Z, राइट? SE is used by British and Z is used by Americans. So Americans use IZE ending, whereas British take it as a wrong spelling. अगर आप किसी American मतलब अगर आप किसी British के सामने IZE लिखेंगे तो कहेगा अरे ये तो गलत है, spelling mistake. But उनके लिए वो सही है Americans के लिए, but for British it's wrong. So it's both ways. Example is organize. ORGANISE, British English, organize. And in India, again, we also use SE, that's organize. But Americans, they are using it Z, I mean organize, ORGANIZE, organize. Apologize, mafi mangna, right? Apologize, APOLOGISE, apologize. I apologize for being late. I apologize for not doing my work. In India also, we use the same spelling, ISE, ending. But American, you see the difference. It's APOLOGIZE, apologize. Then comes the difference in OUR and OR. एक्चुअली जो ब्रिटिश हैं वो एंडिंग में ओ यू आर लगाते हैं, बट अमेरिकन यू को हटा देते हैं और सिर्फ ओ आर लगते हैं. सो एज आई सेड, इन द ब्रिटिश इंग्लिश एंडिंग इज इन ओ यू आर, बट इन अमेरिका यू नो दे ड्रॉप्ड यू. लाइक कलर, जो हमने स्पेलिंग देखा था, COLOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश है. और इंडिया में भी हम जब स्कूल्स में सीखते हैं कलर की स्पेलिंग, वी ऑलवेज लर्न COLOUR. बट अमेरिकन लाइक नोआ वेबस्टर सेड, इट्स शॉर्टन द वर्ड्स, जैसे बोलते हैं वैसे लिखो. यू का आवाज नहीं आ रहा तो लिखने की जरूरत नहीं है. सो फॉर देम द स्पेलिंग इज COLOUR. लेबर, LABOUR, like we have labor ministry and child labor and all that. So that labor, same in India is like same labor, and here it is labor, LABOR. They have shortened the spelling, they have dropped U from this. Then we have is, in the end we have is single L and we have is double L. British जो है वो single L use करते हैं, but Americans जो है usually वो double L use करते हैं, right? Like example, enrollment, like जब आप enroll करते हैं किसी course के लिए, right? So you get an enrollment form, right? So that enrollment I'm talking about. ENROLMENT, यहाँ पे देखिए सिंगल एल है, राइट? अब यहाँ पर ये बीच में आ रहा है, वो एंड में भी आ सकता है. सो इट्स नॉट ओनली इन द एंड, बट इट कैन बी इन द मिडल ऑल्सो. बट ब्रिटिश प्रेफर टू यूज सिंगल एल रादर देन अमेरिकन प्रेफर टू यूज डबल एल. लाइक एनरोलमेंट, वी ऑल्सो यूज द सेम एनरोलमेंट, ENROLMENT. Whereas Americans they use double L, जैसा आपको मैंने बताया, ENROLLMENT, enrollment. Skillful, SKILFUL, skillful, same we also use.
In case of American English, it's SKILL, skillful. Then if we talk about again somewhat ending, agar kisi ending ki baat karte hain, OGUE, OG, agar hum end mein use kar rahe hain, usually it is in British English, but in American English unhone aapka ye end ka UE jo hai, end ka usko drop kar diya hai. So this is by American English. Sirf OG pe hi wo stop ho rahe hain. In British the word use, you know, the words they use OGUE, but in Americans they only use OG. Example, dialogue. You know, India is having a dialogue with the Pakistan. They want to have some dialogue with Pakistan. And so DIALOGUE, same we also say, but in America it is dialogue, DIALOG. देखिए यहाँ पर उन्होंने जो यहाँ पे हमारा था UE उसको इन्होंने यहाँ पे drop कर दिया है. Catalog, right? आपने कोई कुछ खरीदना है या जैसे मान लीजिए अपने घर को पेंट कराना है तो आप एक कैटलॉग देखते हैं विच हैज गॉट ह्यूज सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स. सो दैट इज योर कैटलॉग, CATALOGUE. सेम वी यूज CATALOGUE, बट इन अमेरिकन्स अगेन दे ड्रॉप्ड यूई फ्रॉम द एंड. सो इट्स CATALOG, catalog. So अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक हमने जो बात किया वो हमने स्पेलिंग्स के बारे में किया कि स्पेलिंग्स में किस तरह से डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश एंड इंडियन इंग्लिश. अब मेनली हम बात करने वाले हैं ग्रामर की. और इसको आगे जाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ ग्रामर हम लोग मेनली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं. हम लोग मीन्स इंडियंस, तो इंडियन इंग्लिश जो है वो कंप्लीटली ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करती है इन टर्म्स ऑफ ग्रामर. देन वी हैव अ डिफरेंस इन कॉन्जुकेशन. कॉन्जुकेशन होता है वर्ब्स, बेसिकली कॉन्जुकेशन इज द यूजेज ऑफ द वर्ब्स, जिसे हम वर्ब्स की फॉर्म्स बोलते हैं v1, v2 एंड v3, उसे हम कॉन्जुकेशन बोलते हैं. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल योर वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑफ कोर्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो दिस इज योर कॉन्जुकेशन. इसमें भी डिफरेंस होता है, लाइक इन सम वर्ड्स, सो विल लुक इन टू द एग्जाम्पल्स, लाइक बर्न. The first form is burn. The second form, Americans burned बोलते हैं. They don't, हम लोग बोलते हैं burnt. My hand got burnt, right? A British, because we follow the British. So it's burnt. And the third form is also burnt, burnt. यहाँ पर भी है burnt. But in case of American English, they say burned, you know. I burned my hand. And even in the third form, it is ed. Second example is dream, yani ki sapna, right? Dream, I saw a dream, right? He dreamt about a car accident, right? Usne ek sapna dekha ki is cheez ka ki ek accident ho gaya hai. So it's dreamt. Hum log dreamt bolte hain, just like British people we say dreamt. And the third form is also dreamt, but Americans they say dreamed. I dreamed about so and so person. I dreamed about Tom Cruise. I dreamed about someone. Learn, yaad karna. It is learned in case of American, it's ed. But in case of British, it is T, learnt,
learnt, learnt, learnt. Pause karo. Tenses. So, tenses, in case of tenses, the speakers of British English use present perfect tense more than the American speakers. American speakers जो हैं, वो present perfect tense को इतना use नहीं करते, जितना British करते हैं, बल्कि वो जो हैं, वो उस केस में prefer करते हैं to use a simple past tense, same situations के पर. और हम लोग जैसा हम पहले भी बात करते आ रहे हैं कि हम इंडियंस जो हैं वो फॉलो करते हैं ब्रिटिश को इन दिस ग्रामर केस. तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख के समझने की कोशिश करते हैं. जैसा चलिए अब एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं. जैसा हमने अभी बात किया था कि ब्रिटिश इंग्लिश में जो स्पीकर्स हैं वो ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, लेकिन वहीं पर जो अमेरिकन्स हैं सेम सिचुएशंस में सिंपल पास्ट टेंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं. और हम मींस इंडियंस जो हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं. हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? क्या तुम अपना होमवर्क खत्म कर चुके हो? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? Indian English, have you finished your homework? But same situation में अगर एक American native बोल रहा है तो वो बोलेगा did you finish your homework? देखिए difference. जैसे कहा था they prefer to use present perfect tense and they prefer to use simple past tense. एक और example देखते हैं. I have already seen that film. मान लीजिए मेरा फ्रेंड जो है, मेरी फ्रेंड, वो मुझे कह रही है कि चल यार ये फिल्म देखने चलते हैं. अरे वो फिल्म मैं पहले ही देख चुकी हूँ. राइट, सो इट इज आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म और मूवी. जबकि एक ब्रिटिश बोलेगा आई हैव ऑलरेडी सीन दैट फिल्म. वहीं पे यहां पे देखिए आई हैव ऑलरेडी सीन. राइट, वहीं पे सेम सिचुएशन में एक अमेरिकन बोलेगा आई ऑलरेडी सॉ दैट मूवी. अब यहां पर आप देखेंगे एक फिल्म और एक मूवी है और यहां पर हमने दोनों लिखे हैं. ये डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी जो हम ग्रामर के बाद डिस्कस करेंगे. ये वोकैबुलरी डिफरेंस है. बट टेंसेस की बात करें तो यहां पर यूज हो रहा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और यहां यूज हो रहा है हमारा सिंपल पास्ट. एक और एग्जाम्पल देते हैं. आई कैन फाइंड माई कीज, हैव यू सीन देम एनीवेयर? मुझे चाबियां नहीं मिल रही हैं. हैव यू सीन देम एनीवेयर? क्या तुमने उनको कहीं देखा है? सेम अगर मैं बोलूंगी बींग एन इंडियन आल से आई कैन नॉट फाइंड माई कीज, हैव यू सीन देम एनीवेयर? मुझे कीज नहीं मिल रही है, तुमने कहीं पे देखी है? वहीं पे एक अमेरिकन बोलेगा आई कांट फाइंड माई कीज, डिड यू सी देम एनीवेयर? डिड यू सी? सी Have you seen? And here it is, did you see? See here. This is a basic difference in case of British and American and of course Indian English, क्योंकि हम तो British को follow कर रहे हैं in terms of grammar. अब difference आता है in case of modals. Modals, कई लोग इसे modals भी बोलते हैं, but it's modals or modals, the same thing. Main difference comes in the usage of will and shall. British often use will and shall in the statements referring to future with I and we. जो ब्रिटिश हैं वो ज्यादातर विल और शैल को यूज करते हैं आई और वी के साथ फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए. वेयर एज अमेरिकन्स यूज विल टू शो द फ्यूचर. और आजकल करंटली वी इंडियंस आर ऑल्सो यूजिंग विल टू शो फ्यूचर. आजकल पिछले शायद कुछ 5-6 सालों में थोड़ा सा चेंज आया है. हाँ, अगर हम अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक्स देखते हैं, इवन आज भी स्कूल में बच्चे सीखते हैं, वो विल और शैल दोनों सीखते हैं, क्योंकि हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो नॉर्मली रिवाइव नहीं होती हैं. और क्योंकि इंडिया में जितनी टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं हमारी
usually they are by Cambridge or Oxford ki hoti hain, and they are all British publications. But in terms of actual usage, in case of speaking and writing, aajkal hum Indians jo hain, wo sirf aur sirf will ko use kar rahe hain future dikhane ke liye. Examples are, we shall be talking about this in detail tomorrow. Hum kal iske bare mein detail mein baat karenge. We shall be, we will be nahi balki we shall be humne use kiya. Kyunki mostly hum yahan par shall ko use karte hain with I and we. That's the first person. Aur ke saath nahi baat kar rahe hain, hum sirf I aur we ke saath baat kar rahe hain. Say, but in American, they will say, we will be talking about this. यहाँ पर उन्होंने shall की जगह will को use किया है. Same here in case of Indian English, हम यहाँ पर will को prefer करते हैं in terms of shall. Now, the difference comes also on the basis of prepositions. Like, at the weekend and on the weekend, right? Now, British jo hain, wo aksar use karte hain at the weekend, right? I am planning to go to Switzerland at the weekend. Weekend, jab please dhyan rakhiyega, yahan hum baat sirf weekend use karne ki kar rahe hain. Jab bhi hum weekend word use karte hain, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश दे प्रेफर टू यूज एट विद इट, वेयर एज अमेरिकन्स यूज ऑन विद इट, और हम इंडियंस जो हैं, हम दोनों यूज करते हैं आजकल. सो ब्रिटिश इंग्लिश, व्हाट आर यू डूइंग एट द वीकेंड, तुम वीकेंड पर क्या कर रहे हो. अमेरिकन विल से लेट्स हैव अ बारबेक्यू ऑन द वीकेंड, चलिए बारबेक्यू करते हैं वीकेंड पे. लेट्स हैव अ बारबेक्यू ऑन द वीकेंड. सॉरी आई एम बिजी एट द वीकेंड और ऑन द वीकेंड, मैं वीकेंड पर या वीकेंड में बिजी हूं. अब अगर मैं इसे अदर वे राउंड कर दूं, मान लीजिए एक अमेरिकन ये स्टेटमेंट बोलता है, एक अमेरिकन जो है वो ये बोल रहा है, तो बोलेगा व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वीकेंड, राइट. और मान लीजिए इंडियन है, वो ये बोलेगा लेट्स हैव अ बारबेक्यू एट द वीकेंड या ऑन द वीकेंड, तो ब्रिटिश यहां पे क्या बोलेगा, सॉरी आई एम बिजी एट द वीकेंड, राइट, एट द वीकेंड. अब हम बात करते हैं अगेन फॉर प्रेपोजिशन, व्हिच इज इन एंड ऑन विद the street names. जब भी हम किसी street names की बात करते हैं, तो उसके साथ preposition difference आता है writing of in में या on के अंदर. British often use in with the street names. जब भी एक street names की बात करते हैं, British जो है वो ज्यादातर in use करते हैं, बल्कि Americans जो है वो on use करते हैं, और हम Indians we use in with it. Like, There were a lovely family. They lived in Walton Street. वो एक बहुत lovely family थी, वो Walton Street में रहती थी. They lived in Walton Street. Whereas हम भी in ही use करते हैं, बल्कि Americans जो हैं, they will say they were a lovely family. They lived on Walton Street, right? Earlier I used to live in Parrot Street. मैं बोलूंगी earlier I used to live in Parrot Street. जैसे हमारे इंडिया में मोहल्लों के नाम होते हैं, अमेरिका में स्ट्रीट्स के नाम होते हैं, राइट. यू लिव ऑन द स्ट्रीट्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पर रह रहे हैं, बट इसका मतलब ये है कि आप उस जगह, उस स्ट्रीट पर आपका घर है. So American will say, I used to live on Parrot Street. Now the difference comes with the preposition at and in with the names of the universities or some other institutions. Usually jo British hote hain, wo
एक्ट यूज करते हैं ज्यादातर यूनिवर्सिटीज या किसी भी इंस्टीट्यूशंस के नाम के साथ, और वहीं पर जो अमेरिकन्स हैं वो इनको यूज करते हैं उनके साथ, और हम इंडियंस यहाँ पर एक्ट को यूज करते हैं फॉर द सेम. एग्जाम्पल इज शी स्टार्टेड फ्रेंच एट हाई स्कूल, उसने हाई स्कूल में फ्रेंच पढ़ा. सो इट्स एट, और हम लोग भी यही बोलते हैं शी स्टडीड फ्रेंच एट हाई स्कूल एट. इसके अलावा अनदर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अगर आप यहाँ अमेरिकन के लिए देखें, सो शी स्टडीड फ्रेंच इन हाई स्कूल, कॉन्ट्ररी टू द ब्रिटिश एंड इंडियन इंग्लिश दे यूज इन. I studies humanities at universities. मैंने यूनिवर्सिटी में humanities पढ़ा है, at the university. Same as I studied humanities at the universities. वहीं पर an American will say I studies humanities in the university. In British English, to is always used after the verb write, right? जब भी हम write verb को use करते हैं British English में, हमेशा उसके बाद हम to को use करते हैं, लेकिन American English में this to can be omitted. Omitted मतलब उसे छोड़ा भी जा सकता है write के बाद. और here in India, we use or we follow the British English. I promised to write to her every day. मैंने उसे promise किया कि मैं उसे रोज चिट्ठी लिखूंगी. I promised to write to her every day. Same here, I promised to write to her every day. But American, वो नहीं यहाँ पर to हटा देंगे. I promised to write her every day. तो ये थे हमारे कुछ डिफरेंसेस जो हमने देखे इन टर्म्स ऑफ आवर ग्रामर. पहले हमने बात किया स्पेलिंग्स का, और उसके बाद हमने बात किया हमारा ग्रामर का, कि किस तरह से एक ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश और इंडियन इंग्लिश ग्रामेटिकली डिफरेंट होती हैं. अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की. So, अब हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की, कि किस तरह से हम इनमें डिफरेंस देखते हैं तीनों में इन केस ऑफ वोकैबुलरी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वोकैबुलरी सेक्शन नाउ. यहां पर देखिए, आप देखेंगे कि कुछ पिक्चर्स दे रखे हैं, और जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, यूजुअली हम लोग यहां पर इसे लिफ्ट बोलते हैं, ब्रिटिश जो होते हैं वो इसे लिफ्ट बोलते हैं, और वहीं पर जो हमारे अमेरिकन्स होते हैं दे कॉल इट एज एलिवेटर्स, वो इसको एलिवेटर्स बोलते हैं. यूजुअली इंडिया में हम एलिवेटर्स इस तरह से, जो आप लोगों ने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे होते हैं हम उनको, या आप लोगों ने मॉल्स में देखा होता होगा, हम इन्हें एक्सेलरेट एलिवेटर्स यूजुअली बोलते हैं. बट इन अमेरिका उनके लिए ये जो लिफ्ट है हमारी, जिसे हम लिफ्ट बोलते हैं, उन्हें ही वो एलिवेटर्स बोलते हैं. सो ब्रिटिश दे से लिफ्ट्स, अमेरिकन्स दे से एलिवेटर्स, और इंडिया में हम उसे लिफ्ट बोलते हैं. द नेक्स्ट वी हैव इज, जो आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे, ब्रिटिश इसको बिस्किट्स बोलते हैं और अमेरिकन्स इनको कुकीज बोलते हैं. कुकीज. सो यहां पर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में हम इन्हें यूजुअली बिस्किट्स कहते हैं. देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई इसे कुकीज नहीं कहता, कुछ लोग हैं जो इसे कुकीज भी कहते हैं, बट वो नंबर रिलेटिवली बहुत कम है. अब ऐसा आप इसमें वोकैबुलरी सेक्शन में देखेंगे, बहुत सारी जगह पर हम कई बार ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, कई बार हम अमेरिकन इंग्लिश की वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज करते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो आपको इन दोनों से अलग भी दिखाई देंगे. उसका रीजन ये है कि यस, वी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश इंग्लिश बिकॉज वी हैव बीन रूल्ड बाय ब्रिटिश पीपल, लेकिन जैसा हमने देखा था कि केबल कल्चर और टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत एकम्पनीड हो गए हैं अमेरिकन वर्ड्स के भी, तो हमें उनके बारे में भी पता है.
इसलिए हम दोनों को यूज करते हैं। और इंडिया में रहकर अगर आप दोनों में से कोई भी यूज करते हैं तो कोई ये नहीं कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो। लेकिन अगर मैं एक ट्रू ब्रिटिश की बात करूंगी तो एक ट्रू ब्रिटिश कभी भी कुकीज नहीं बोलेगा। और दूसरी तरफ एक अमेरिकन जो है वो कभी भी बिस्किट्स नहीं बोलेगा, वो अपने वर्ड्स ही बोलेंगे। लेकिन यूजुअली इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं और उन्हें गलत नहीं मानते हैं। सो ब्रिटिश कॉल दिस एज बिस्किट्स एंड अमेरिकन्स कॉल देम एज कुकीज एंड वी कॉल देम एज बिस्किट्स। देन हियर आप यहाँ देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कुछ पतझड़ जैसा है, पेड़ पीले पीले हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं। अमेरिकन्स इसे बोलते हैं ऑटम, राइट? लाइक वी हैव अ सीजन, ऑटम सीजन होता है हमारा। सो ब्रिटिश इसे ऑटम बोलते हैं और अमेरिकन्स इसको फॉल बोलते हैं। ओ यू नो दीज डेज वी हैव फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स का मतलब गिरना नहीं, यहाँ हम लोग फॉल्स झरनों को बोलते हैं। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटम सीजन। फॉल इसलिए बोलते हैं वो क्योंकि इस सीजन में पत्ते गिरते हैं। एंड इन इंडिया वी यूज ऑटम, हम ऑटम बोलते। इन केस हेयर इफ यू सी, हम इंडिया में इसे ट्रक बोलते हैं, ब्रिटिश जो है वो इसे लॉरी बोलते हैं, लॉरी, राइट? ही इज अ लॉरी ड्राइवर। अमेरिकन्स उसे ट्रक बोलते हैं। और देखिए यहाँ पर हम इंडियंस जो हैं वो लॉरी ना यूज करके बल्कि ट्रक यूज कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स, राइट? सो ट्रक, ही ड्राइव्स अ ट्रक, तो यहाँ पर हम ट्रक यूज कर रहे हैं। द नेक्स्ट स्लाइड्स आप देखेंगे यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल भर रहे हैं अमेरिकन, ब्रिटिश जो हैं वो उसे पेट्रोल बोलते हैं। अमेरिकन्स कॉल देम एज गैस, गैस, एंड हम लोग गैस नहीं बोलते, हमारे लिए गैस का मतलब एलपीजी होता है, हम लोग उसे पेट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट इज फिल्म, जो ब्रिटिश होते हैं वो यूजुअली फिल्म बोलते हैं और जो अमेरिकन्स हैं वो उसे मूवी बोलते हैं। लेकिन बीइंग इन इंडिया हम दोनों बोलते हैं, हम फिल्म भी बोलते हैं और मूवी भी बोलते हैं। हाँ, डिड यू सी दैट फिल्म, दिस मूवी इज रिलीजिंग, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी विद माय फ्रेंड्स, द मूवी वाज वेरी नाइस और द फिल्म वाज वेरी नाइस। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं ब्रिटिश दे कॉल इट एज फिल्म, अमेरिकन्स दे कॉल इट एज मूवी, बट वी कॉल देम एज फिल्म और मूवी। ये देखिए अब आप इस पिक्चर में देखिए क्या लगा है, ये बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो बैंक्स के बाहर ऐसी लंबी लंबी लाइंस लगी थी। दिस ब्रिटिश दे कॉल दिस एज क्यू, प्लीज स्टैंड इन द क्यू। अमेरिकन्स कॉल दिस एज लाइन, और यूजुअली हम इंडिया में लाइन ज्यादा यूज करते हैं। हम ये नहीं कह रही मैं कि क्यों नहीं बोलते, मेनी पीपल से यहाँ पर मैंने वो दिए हैं जो ज्यादातर लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग उसे लाइन बोलते हैं। अरे भाई लाइन में लग जाओ, लाइन मत तोड़ो, दे डोंट से क्यू में लग जाओ। सो समटाइम्स अगर आप क्यू बोलते हैं तो हो सकता है कि किसी को क्यू क्या है ये समझ ना आए। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज हैंड बैग। आप जानते हैं लेडीज जो बैग लेते हैं जिसे ब्रिटिश उसे हैंड बैग्स बोलते हैं एंड अमेरिकन्स कॉल इट एज पर्स, पर्स। अब तो आप समझ गए होंगे इंडिया में ज्यादातर हम पर्स यूज करते हैं, मुझे पर्स लेना है, मेरा पर्स घर पे रह गया एंड ऑल दैट। और पर्स के अंदर अगर आप बात करते हैं तो पर्स के अंदर एक छोटा हैंड क्लचर पर्स भी आता है और जो हैंगिंग वाला होता है वो भी आता है, तो पर्स में हम दोनों इंक्लूड करते हैं इंडिया में। बट यूजुअली आप फॉरेन में जाएंगे तो आप पर्स के लिए वो लंबा वाला पर्स जो लेडीज लेती हैं गोइंग फॉर वर्क, तो और आजकल कुछ लोग हैंड बैग्स भी बोलते हैं, बट ज्यादातर इंडिया में हम पर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिटिश यूज अ वर्ड टैक्सी, आई नीड टू हायर अ टैक्सी, और वहीं पर अमेरिकन्स जो हैं वो यूज करते हैं कैब,
और आपने देखा होगा कि पहले जब ये आपकी ओला एंड उबर नहीं आई थी, उससे पहले हम टैक्सी बोलते थे इंडिया में. सो हम टैक्सी भी बोलते थे, और अब भी कई लोग बोलते हैं टैक्सी बुला लो, टैक्सी कर लो. बट अब क्योंकि जब से आपका ये ओला एंड उबर्स आए हैं, लोग कहते हैं कैब. ओला, आई हैव टू बुक अ कैब, लेट्स बुक अ कैब. सो हम आजकल दोनों यूज करते हैं, वी यूज टैक्सी ऑल्सो एंड वी यूज कैब. अगला है कैश पॉइंट. देखिए, कभी आपने सुना है? नहीं. लेकिन एटीएम बोलूंगी तो आपको एकदम, अरे एटीएम, ओ या आई नो आई नो आई नो. तो आपने यूज किया है, ऑलमोस्ट आजकल हर कोई एटीएम्स यूज करता है. बट एक्चुअली जो ब्रिटिश हैं, वो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो है कैश पॉइंट. हो सकता है आपने कभी किसी एटीएम के बाहर ग्लास पे या कहीं देखा भी हो, बट आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि कैश पॉइंट आखिर होता क्या है. सो कैश पॉइंट मीन्स एटीएम, और इंडिया में हम ज्यादातर एटीएम ही यूज करते हैं. बट आपका मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने, मेरे घर के सामने एक एटीएम है, उसके ग्लास डोर के ऊपर कैश पॉइंट लिखा. हाँ, ऊपर बोर्ड पे बड़ा बड़ा एटीएम लिखा है, बट ऑन द ग्लास डोर ऑफ दैट एटीएम इट्स रिटन कैश पॉइंट. सो कैश पॉइंट क्या है? सेम थिंग, इट्स एटीएम. कैश पॉइंट इज स्पोकन बाय ब्रिटिश एंड एटीएम इज स्पोकन बाय अमेरिकन्स. नाउ द नेक्स्ट इज ब्रिटिशर्स, दे से द वर्ड ट्राउजर्स. आई नीड टू बाय न्यू ट्राउजर्स, और यू हैव टू वेयर ओनली ट्राउजर्स फॉर योर इंटरव्यूज. यू कैन नॉट वेयर जीन्स एंड ऑल दैट, यू नीड टू वेयर ट्राउजर्स फॉर योर इंटरव्यूज. वहीं पर सेम चीज है, अमेरिकन्स उसे पैंट्स बोलते हैं, पैंट्स नॉट ट्राउजर्स. और इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं, पैंट्स भी बोलते हैं और ट्राउजर्स भी बोलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरग्राउंड पैसेज. ब्रिटिशर्स बोलते हैं अंडरग्राउंड पैसेज, और अमेरिकन्स दे यूजुअली कॉल इट एज सबवे. आपको पता है सबवेज होते हैं रोड के एक तरफ से, जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक्स होते हैं वहां पर गवर्नमेंट या एमसीडीज सबवेज बनाती हैं, आप नीचे से ही क्रॉस कर जाते हैं. और इंडिया में भी हम उसे ज्यादातर सबवेज बोलते हैं रादर देन योर अंडरग्राउंड पैसेज. द नेक्स्ट इज योर स्वीट्स, मिठाई. स्वीट्स यहाँ पे सिर्फ मिठाई नहीं, यहाँ पे स्वीट्स का मतलब होता है, ओके, ऑन माय डॉटर्स बर्थडे शी डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन द क्लास. तो उसने मिठाई नहीं बांटी थी, बल्कि उसने कुछ टॉफीज बांटी थी. बट हम इंडिया में उसे स्वीट्स बोलते हैं. बट द सेम थिंग अमेरिकन्स कॉल देम एज कैंडीज. यस, दे कॉल इट एज. फिल्म, मूवी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अभी इसके बाद है हमारा केमिस्ट. ब्रिटिश दे से केमिस्ट, और अमेरिकन्स दे कॉल इट एज ड्रग स्टोर. केमिस्ट शॉप और अ ड्रगिस्ट और अ ड्रग स्टोर. आई नीड टू गो टू मार्केट टू बाय सम मेडिसिन फ्रॉम द ड्रग स्टोर, एन अमेरिकन विल से. ब्रिटिश विल से केमिस्ट. लेकिन इंडिया में हम ड्रग स्टोर ज्यादा यूज नहीं करते, बट इसके अलावा हम केमिस्ट यूज करते हैं एंड फार्मेसी. दिस इज अनदर वर्ड जो हम एक्चुअली इंडिया में यूज करते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश. द नेक्स्ट वर्ड इज प्लास्टर. ब्रिटिश यहां प्लास्टर वो हड्डी टूटने के बाद चढ़ने वाला प्लास्टर नहीं, लेकिन पट्टी जिसको हम बोलते हैं, नॉर्मल अगर खून निकल जाए आपको पट्टी चढ़ा देते हैं, उनको भी अब जो ब्रिटिश हैं वो उसको कहते हैं प्लास्टर. बट अमेरिकन्स दे कॉल इट एज बैंडेड, और इंडिया में भी हम उसे बैंडेड ही बोलते हैं. प्लास्टर हम लोग उसको बोलते हैं जो हड्डी टूट जाए और वो व्हाइट सीमेंट लगा के जो लगाया जाता है, उसे हम लोग प्लास्टर बोलते हैं. देन द हेड ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर. ब्रिटिश कॉल देम एज MD, दैट इज द मैनेजिंग डायरेक्टर. सेम चीज है, सेम पोजिशन, बट हम उस अमेरिकन जो है वो उन्हें CEO बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स. इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. देखिए, टाटा ग्रुप का हेड है रतन टाटा,
राइट, बट अगर आप उनके नाम के साथ देखेंगे कभी, वो हमेशा बोलते हैं द एमडी ऑफ टाटा ग्रुप, ही इज कॉल्ड एज द एमडी ऑफ टाटा ग्रुप। वहीं पर अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, सो मुकेश अंबानी इज द सीईओ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। ये नहीं बोलते दैट मुकेश अंबानी इज द एमडी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, वो अपने नाम के साथ सीईओ लगाते हैं ना कि एमडी। वेयर एज मिस्टर रतन टाटा ही एड्स एमडी विद हिज नेम। अब इंडिया में ही आप देख रहे हैं दोनों चीजें होती हैं। देन इन इंडिया वी हैव अ डस्ट, इट्स डस्ट बिन, BIN, डस्ट बिन, और इंग्लिश अमेरिकन दे कॉल इट एज गार्बेज कैन और ट्रैश कैन, राइट। एंड इन इंडिया यूजुअली वी से डस्टबिन्स, कि रोड पे डस्टबिन्स हैं, डोंट थ्रो द थिंग्स ऑन द रोड, थ्रो इट इन द डस्टबिन्स। और अगर आप यहाँ ट्रैश कैन देखते हैं तो आपने ये वर्ड यूजुअली कंप्यूटर्स में देखा होगा, जो आप जिस चीज को डिलीट कर देते हैं वो ट्रैश कैन में चली जाती है। देन अनदर सेट ऑफ वर्ड्स वी हैव इज, फर्स्ट इज योर गार्डन, जो आपका गार्डन होता है, यूजुअली हम लोग भी उसे गार्डन बोलते हैं। अमेरिकन्स जो है वो उन्हें यार्ड्स बोलते हैं, यार्ड नॉट अ गार्डन। इंडिया में हम गार्डन बोलते हैं या पार्क भी बोल देते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। देन इज हॉलीडे, समर हॉलीडेज आने वाले हैं, राइट, और योर विंटर हॉलीडेज, एंड अमेरिकन्स दे कॉल इट एज वेकेशंस। इंडिया में हम दोनों यूज करते हैं, पहले हम ज्यादातर हॉलीडेज ही बोलते थे, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज, बट नाउ वी से समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस। तो ये वर्ड अब हम ज्यादा, मतलब ये भी यूज करने लगे हैं विद हॉलीडेज। देन वी हैव इन दिस वर्ड विच ब्रिटिश कॉल इट एज जम्पर एंड अमेरिकन कॉल इट एज स्वेटर। स्वेटर तो आप जानते हैं सर्दियों में सब लोग पहनते हैं, सो सेम चीज है, अमेरिकन्स उसे स्वेटर बोलते हैं, ब्रिटिश उसे जम्पर बोलते हैं, और इंडिया में हम उसे स्वेटर बोलते हैं, नॉट जम्पर। जम्पर लोगों के लिए कुछ और होता है इंडिया में। देन वी हैव इज फुटबॉल, लेट्स प्ले फुटबॉल, आपने एड देखा होगा आजकल टेलीविजन में बहुत ज्यादा आता है, सो ब्रिटिश कॉल इट एज फुटबॉल एंड वी ऑल्सो इन इंडिया कॉल इट एज फुटबॉल, बट सेम चीज, सेम स्पोर्ट्स, अमेरिका इट इज कॉल्ड सॉकर, यस, बट इन ब्रिटिश एंड मोस्टली पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज कॉल्ड एज फुटबॉल, और जिसे हम बोलते हैं फीफा वर्ल्ड कप, राइट, सो दैट्स फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, सो इट्स फेडरेशन फुटबॉल एसोसिएशन, नॉट सॉकर एसोसिएशन। देन वी हैव इज टॉयलेट और लू, टॉयलेट ब्रिटिश जो है वो उसे टॉयलेट भी बोलते हैं और उसे लू भी बोलते हैं, एंड इन अमेरिका दे कॉल इट एज वॉशरूम और रेस्टरूम्स। इंडिया में उसे टॉयलेट भी कहा जाता है, वॉशरूम्स भी कहा जाता है, एंड इंडिया में कई लोग उसे बाथरूम भी बोल देते हैं। टॉयलेट आप जानते हैं क्या है, आपने फिल्म भी देखी होगी, बहुत पॉपुलर फिल्म थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा। वॉशरूम भी बोलते हैं, मे आई गो टू द वॉशरूम, एंड बाथरूम ऑफ कोर्स। आजकल आप कई जगहों पे, स्पेशली एट द एयरपोर्ट्स और कई अगर आप होटल्स में जाते हैं बड़े बड़े, वहां पर आपको रेस्ट रूम भी लिखा हुआ दिखता है, इवन इन द मल्टीप्लेक्स अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं तो वहां पर भी कई बार बाहर टॉयलेट नहीं लिखा होता बल्कि रेस्ट रूम लिखा होता है। सो दिस वर्ड इज ऑल्सो इमर्जिंग दीज डेज। द नेक्स्ट इज मोटरवे, ब्रिटिश उसे मोटरवे बोलते हैं और अमेरिकन सेम चीज को हाईवे बोलते हैं। हाईवे तो आपको पता है इंडिया में बहुत सारे हाईवेज हैं, सो हम भी उसे हाईवे ही बोलते हैं। देन वी हैव इज लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स तो आपको पता है जिसमें आपकी चिट्ठियां आती हैं, या आप चिट्ठी डालें तो आप लेटर बॉक्स में डालते हैं। अमेरिकन्स कॉल इट एज अ मेल बॉक्स, मेल, मेल सेम थिंग, लेटर, मेल, मेल बॉक्स, बट यूजुअली इन इंडिया वी डोंट कॉल इट एज अ मेल बॉक्स, बट हम उसे लेटर बॉक्स बोलते हैं। सो लेटर बॉक्स से, लेटर बॉक्स से रिलेटेड पर्सन है पोस्टमैन, जो आपकी चिट्ठियां डिलीवर करता है। इंडिया में भी हम उसको पोस्टमैन ही बोलते हैं,
बट अमेरिकन्स जो हैं उसे मेल मैन, देखिए जब यहाँ मेल है सो यहां से यहां ये आ गया, इट्स मेल मैन. द नेक्स्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड इज फ्लैट. फ्लैट इंडिया में ज्यादातर हम उसे फ्लैट या अपार्टमेंट बोलते हैं, अमेरिकन्स कॉल इट एज अपार्टमेंट. तो फ्लैट पहले ज्यादातर हम फ्लैट्स बोलते थे, आजकल कुछ लोग अपार्टमेंट भी बोलने लग गए हैं. रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर एक बंदा या एक लड़की मिलती है जो रिसेप्शन पे बैठा होता है, वो होता है हमारा रिसेप्शनिस्ट. अमेरिकन्स दे कॉल हिम और हर एज डेस्क क्लर्क, दे कॉल देम एज डेस्क क्लर्क, और इंडिया में हम उसे रिसेप्शनिस्ट ही बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर रिसेप्शनिस्ट कहाँ होता है, ऑफिस में, राइट. सो ब्रिटिश कॉल देम एज ऑफिस एंड अमेरिकन्स दे कॉल इट एज वर्क प्लेस, और इंडिया में हम ज्यादातर ऑफिस. Then we have, British call it as fizzy drink or soft drink. Fizzy, आपने ad भी देखा होगा, fizzy drink or soft drink. Americans they call it as soda or soft drink. India में ज्यादातर हम उसे soft drink ही बोलते हैं. Then we have is pavement. Pavement पता है road के किनारे जो चलते हैं, pavement बोलते हैं British, and Americans call it as sidewalk. They call it as sidewalk. वहीं पे जो Indians हैं, they call it as pavement. Then we have is cupboard. Cupboard. British they call it as cupboard. Americans they call it as cabinet. और Indians उस same चीज को अलमीरा बोलते हैं. Actually अलमीरा जो है ये एक हिंदी word अलमारी का आप कह सकते हैं अभ्रष्ट वर्ड है, मींस अलमारी से वो अलमीरा बन गया. ज्यादातर लोग इंडिया में अलमीरा बोलते हैं. हाँ कबड भी बोलते हैं, अलॉट से कबड नहीं बोलते, कबड भी बोला जाता है, बट मोर ऑफन दे स्पीक इज अलमीरा. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रबर. रबर ये वो प्लास्टिक वाला नहीं, बट वो किताबें मिटाने वाला रबर है. Americans call it as eraser and in India we call it as rubber and eraser. पहले I remember when I was in the school हम लोग ज्यादातर rubber बोलते थे, rubber देना, मैं rubber नहीं लाया, but nowadays we call it as eraser. Then the next word we have is lass. Lass British बोलते हैं lass, Americans बोलते हैं girl, लड़की. Lass means लड़की and lad means लड़का. इंडिया में हम उसे ऑब्वियसली गर्ल एंड बॉय बोलते हैं, ना कि लास एंड लैड. सो ब्रिटिश कॉल अ गर्ल एज लास एंड वी कॉल गर्ल एज गर्ल ओनली, लाइक अमेरिकन्स टू. वहीं पे लड़के को लैड बोलते हैं और अमेरिकन्स उसे बॉय बोलते हैं और हम भी उसे बॉय ही बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज कार पार्क. कार पार्क आप जाते हैं तो कार को पार्क करते हैं, दैट्स कॉल्ड कार पार्क. अमेरिकन्स दे कॉल इट एज पार्किंग लॉट, बट इन इंडिया वी यूज बोथ, बट मोर एंड मोर पीपल यूजेस कार पार्क. देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज टाइम टेबल. यू हैव टू वर्क, आई मीन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम और इफ यू आर यू नो स्टडिंग, यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल. ब्रिटिश उसे टाइम टेबल कहते हैं एंड अमेरिकन्स उसे स्केड्यूल कहते हैं. स्केड्यूल इंडिया में पहले हम टाइम टेबल ज्यादा बोलते थे, अब कुछ लोग जो हैं वो स्केड्यूल भी बोलने लग गए हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड इज बार. बार जहां लोग पीने जाते हैं, एंड इन अमेरिका इट इज कॉल्ड पब. इंडिया में ज्यादातर वो बार कहलाए जाते हैं, but still many people they have started calling it as pub also. Then the next one we have is solicitor. Solicitor hota hai vakil. British use vakil ko solicitor bolte hain, wahi pe jo Americans hain wo use lawyer bolte hain.
और इंडिया में हम उसे लॉयर भी बोलते हैं और एडवोकेट भी बोलते हैं. हम सॉलिसिटर ज्यादा यूज नहीं करते, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं यूज होता, सॉलिसिटर जनरल होता है, बट ज्यादातर लोग उसे लॉयर या एडवोकेट्स बोलते हैं इंडिया में. कर्टन, ये तो आप समझ गए कर्टन क्या होते हैं, हर किसी के घर में यूजुअली दरवाजे पे खिड़की पे कर्टन्स होते हैं. अमेरिकन्स दे कॉल इट एज ड्रेपर्स, ड्रेपर्स, बल्कि और इंडिया में हम उसे कर्टन्स ही बोलते. नाउ द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, विंड स्क्रीन. अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता है जो गाड़ी के आगे का शीशा होता है या पीछे का शीशा होता है जो आपकी हवा को रोकता है, उसे हम विंड स्क्रीन बोलते हैं. सेम चीज अमेरिकन्स उसे विंड शील्ड बोलते हैं, विंड शील्ड, यस, और हम यूजुअली यहाँ पर विंड स्क्रीन ही बोलते हैं. देन वी हैव इज नंबर प्लेट. अब गाड़ी के ऊपर जो नंबर लगा होता है कि से फॉर एग्जाम्पल मेरा गाड़ी नंबर है DL8CD6519, सो दैट्स द नंबर प्लेट. नंबर प्लेट पे नंबर लिखा जाता है. सेम चीज अमेरिकन्स जो है उसे लाइसेंस प्लेट बोलते हैं, बट इंडिया में यूजुअली हम उसे नंबर प्लेट ही बोलते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज बोनेट. बोनेट होता है जो या हुड ऑफ अ कार, राइट. हुड कई लोगों उनके वो टी शर्ट्स में हुड्स होते हैं जिनसे वो ढक लेते हैं अपने सर को. यहाँ हम उस हुड की बात नहीं कर रहे जो गाड़ी लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी सॉरी बट आई एम वेरी बैड इन ड्रॉइंग. जैसे ये होता है हमारा गाड़ी, तो ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड बोनेट बाय ब्रिटिश एंड अमेरिकन्स कॉल द सेम थिंग एज हुड. इंडिया में हम उसे बोनेट बोलते हैं. द नेक्स्ट इज जैम. जैम, बच्चे जैम लगाकर खाते हैं, सो द सेम थिंग अमेरिकन्स कॉल इट एज जेली, बट इंडिया में यूजुअली हम उसे जैम बोलते हैं. देन द नेक्स्ट वी हैव इज टिन. टिन, एंड अमेरिकन्स कॉल इट एज कैन. इंडिया में उसे टिन और कैन दोनों बोलते हैं. पहले हम ज्यादा टिन यूज करते थे बट अब हमारे कैन भी हम यूज करते हैं. लाइक आप सॉफ्ट ड्रिंक अगर पीते हैं, यू कैन गेट इट इन अ बॉटल, राइट, टेट्रॉप, और यू कैन गेट इट इन अ कैन, कैन्ड वन. सो अभी हमने देखा, बहुत सारे वर्ड्स देखे, जो वोकैबुलरी डिफरेंस आपने देखा इसके लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो हम इंडिया में भी यूज करते हैं जो ना तो ब्रिटिश के हैं ना अमेरिका के हैं, लाइक अलमीरा हमने देखा. और फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये तो वो वर्ड्स से मिली जो मैंने आपको डिफरेंस बताया बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश, लेकिन इसके अलावा कुछ वर्ड्स हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द वर्ड लाइक फॉरेस्ट और वुड्स, अमेरिकन्स ऑल्सो कॉल इट एज लाइक फॉरेस्ट और वुड्स. बेसिकली ज्यादातर वो वुड्स बोलते हैं, बट इंडिया में या तो हम फॉरेस्ट बोलते हैं और इसके अलावा हम जंगल भी बोलते हैं. अब आप कहेंगे कि ये जो जंगल है ये यहाँ दोनों में नहीं है. एक्चुअली जंगल जो है ये एक हिंदी का वर्ड है, हिंदी का वर्ड जो कि हम इंग्लिश में जैसे अलमीरा, अलमारी से अलमीरा बना दिया हमने, उसी तरह हम जंगल को जंगल यूज कर रहे हैं. और लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, लाइक इफ आई से ओके प्रिजन, और इफ आई से बिहाइंड द बार्स, सेम हियर वी से प्रिजन और बिहाइंड द बार्स. यानी कि प्रिजन मतलब कि जेल. तो अगर किसी को सजा होती है तो कहते हैं ना उसको जेल भेज दिया, ही वॉज सेंट टू प्रिजन. और इंडिया में एक और वर्ड हम यूज करते हैं विच इज जेल, जेल. सो ये एक ऐसा वर्ड है जो एक एक्चुअली हिंदी का वर्ड है जिसे हम एग्जैक्टली इंग्लिश में यूज करते हैं. सो दिस इज इन इंडियन इंग्लिश जेल. अब आप जेल भी आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, मतलब जंगल भी आपको मिल जाएगा.
सो यहाँ पर अभी तक जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं वो भी बताए हैं जो कि मेनली ब्रिटिश और अमेरिकन में भी अलग अलग होते हैं. बट इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि आजकल हमारी एक नई इंग्लिश डेवलप हो रही है जिसे हम इंडियन इंग्लिश कहते हैं, जिसमें ये सारे वर्ड्स होते हैं और ये सारे वर्ड्स लोगों को मिलते हैं. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट सेक्शन विच इज योर प्रोनंसिएशंस. सो अब हम बात करेंगे प्रोनंसिएशन की कि किस तरह से उन वर्ड्स को, देखिए हमने देखा स्पेलिंग डिफरेंस, वोकैबुलरी डिफरेंस, ग्रामर डिफरेंस, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको बोलने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है, मेनली इन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश एंड ऑफकोर्स इन इंडियन इंग्लिश ऑल्सो. देन इन अमेरिकन इंग्लिश टी टर्न्स टू सॉफ्ट ड, डी ड ड ड. सॉफ्ट मतलब बहुत हल्का सा बोला जाता है. ट जो है हमारा ट साउंड वो ड बन जाता है इन केस ऑफ अमेरिकन इंग्लिश व्हेन इट कम्स बिटवीन टू वॉवल्स और बिटवीन अ वॉवल और र. अगर वो दो वॉवल्स के बीच में आ रहा है या एक वॉवल और किसी र के बीच में आ रहा है, टी माइंडेड ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो ट नहीं बोला जाता अमेरिकन इंग्लिश में बल्कि ड, सॉफ्ट ड बोला जाता है. जैसे ओ द फर्स्ट वर्ड इज दे नॉट से सैटरडे, सैटर. अब देखिए यहां पर अगर आप देखते हैं तो यहां पर ट जो है ये ए और यू के बीच में आ रहा है जो हमारे वॉवल्स हैं. सैटरडे सैटरडे दे नॉट से सैटरडे सैटरडे सैटर द द Saturday, right? Negative, negative नहीं negative, the. ये जो ट है हमारा ये ड बन जाता है. Negative, right? My blood group is AB positive. What is your blood group? So let's say if you say my blood group is O negative, negative नहीं negative, right? Water, water. They don't say water, they say water, 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 water. Butter. They don't say butter, they say butter, butter, d, d. ये आपका d बन रहा है. Computer. Computer. Which computer do you have? Computer नहीं, computer, d. Then it's party. It's not party. हम लोग पार्टी ही बोलते हैं बट बिकॉज वी आर फॉलोइंग यूजुअली द ब्रिटिश सिस्टम. बट इन केस ऑफ अमेरिकन इट्स पार्टी 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 राइट. देन व्हाट अबाउट, देखिए टी 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 एंड में आ रहा है, व्हाट अबाउट और यहाँ पे भी टी एंड में आ रहा है राइट. अब यहाँ पर जो टी है, देखिए अब हमने पहले सिर्फ वॉट देखा था लास्ट स्लाइड में, यहाँ पे टी जो है ये बीच में आ रहा है क्योंकि ये एक वर्ड्स है ये एक वर्ड्स है. सो इट्स व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट गोइंग फॉर अ मूवी, वुड लाइक टू गो फॉर अ मूवी, व्हाट अबाउट दिस मूवी, व्हाट अबाउट, व्हाट नहीं व्हाट अबाउट द. अब अगर हम इंडिया में कहते हैं तो हमारे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन, हम बटर बोलते हैं, हम सैटरडे बोलते हैं, हम नेगेटिव बोलते हैं और वाटर बोलते हैं, और अगर आप अलग अलग जगहों पे जाएं तो बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं. लाइक आई नो सम साउथ इंडियन, आई हैव सम साउथ इंडियन फ्रेंड्स, वो लोग तो नहीं मैं कहूँगी बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड अदर प्लेसेस. उनके जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वाटर, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, they don't say water, they say water. So India में भी बहुत सारे differences हैं because we have different dialects, बहुत सारे languages हैं India में जो लोग बोलते हैं. So उससे बहुत ज़्यादा difference आता है in case of pronunciations. Difference also comes in the pronunciation of different words. जैसे ये word है हमारा, British जो है वो इसे Z बोलता है, Americans जो है वो इसे Z, X Y, Z, वो इसे Z बोलते हैं. Now, this word, N-E-W, British will say new, new, I bought a new car.
American will say new. Next we have is adult. A British will say adult. American will say adult. In India, like usually a person who is over 18 years, he is considered as an adult citizen. Adult. American will say adult. G-A-R-A-G-E. British will say garage. American will say garage. Same spelling, only difference in pronunciation. British will say garage. American will say garage. Right? Then is, can you give me your address? Address. So British will say address. American will say address. Address. Not address, but address. R-O-U-T-E. British will say route. Can you tell me which bus route will go to my house? American call it as route. Route. This route is not good. Then we have is advertisement. British call it as advertisement. Americans call it as advertisement. Advertisement. ये सारे words अभी हम दोबारा से देखेंगे. Then we have is apricot. Right? Apricot. British call it as apricot. Americans call it as apricot. 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 Then is leisure. British call this word as leisures. Americans call it as leisure. Leisure. Then very common word, kai logo ko difference lagta hai. Either. British call it as either. Americans call it as either. Either or, neither nor. Aajkal kai log confuse hote hai ki either or bole ya neither nor bole. So the kyun aisa problem aa raha hai, kyunki British jo hai use either bolte hain, Americans usko either bolte hain. The next is neither spoken by British, neither spoken by Americans. Dekhiye ye hai hamara word. British English mein hum ise bolte hain hot, o ki awaaz de rahe hain. और लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में से बोलते हैं हॉट, आ की आवाज होती है ना कि ओ की. हॉट, राइट. मॉम इज इन ब्रिटिश इंग्लिश. अमेरिकन से माम, आ माम. टॉप इज व्हाट ब्रिटिश से टॉप, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. अमेरिकन विल से टॉप, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप. He is very honest, but American will say he is very honest. British will say, would you like to have a cup of coffee. American will say, would you like to have a cup of coffee, not coffee but coffee, right. So, American English में कई बार हम जो O word है वो आपको O का नहीं बल्कि आ का साउंड देता है, जैसा आपने यहां पर कुछ एग्जांपल्स में देखा.